और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं आपके एसएससी सीपीओ 2019 के जो हाल फिलहाल में पेपर्स हुए हैं, उन पेपर्स का डिस्कशन हम लोग इन वीडियोस में कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीपीओ 2019 का 9 दिसंबर का पेपर, 9 दिसंबर का शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 9 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीपीओ 2019 का। इसके अलावा आपको डेली वीडियो इस चैनल पर मिल रहा है जिसमें हम लोग इसके इन सभी जितने भी पेपर्स एसएससी सीपीओ के हुए हैं उनका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा नई वीडियो सीरीज भी आपको जल्द ही इस चैनल पर दिखेगी। आपको इस चैनल पर मंडे टू सैटरडे डेली वीडियो आपको मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे और संडे आपको वीडियो नहीं मिलेगा, ऑफ रहेगा। मंडे टू फ्राइडे आपको इस चैनल पर वीडियो डेली मिलेगा। फिलहाल हम लोग एसएससी सीपीओ 2019 का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग 9 दिसंबर से शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी प्लस। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए जो कि है AMANT, जिसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट सभी मिलेगा सभी अनअकैडमी प्लस कोर्सेज पर। तो AMANT ये मेरा रेफरल कोड है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो 5400 रुपीज का है, और जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो 4320 रुपीज का है। उसके बाद आप सभी टीचर से पढ़ सकते हैं, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे कोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं तो 8:30 से 10 बजे तक मेरा एक MCQ कोर्स चल रहा है। इसके अलावा 7 बजे से 8 बजे तक वोकैबुलरी कोर्स चल रहा है। इसके अलावा 4 से 6 कंप्लीट ग्रामर का कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो आप इन सभी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, जिसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट सभी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और अगर लेना चाहते हैं देन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। दैट इज टेलीग्राम पे कनेक्ट होने के लिए सर्च कीजिए @अमन त्रिवेदी, जिससे आपको मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और फर्दर डिस्काउंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप 8299117042 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज इन्फॉर्मेशन अबाउट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आप शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 50 क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीपीओ 2019। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपका ये रखा हुआ है आपके सामने जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, माय मदर स्पीक्स इन सो अ लो वॉइस दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन कहता है आपका, माय मदर स्पीक्स इन सो अ लो वॉइस दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 4th, दैट इज यहां पर जब वो लिख रहा है इन अ सो अ लो वॉइस, तो ये गलत है। क्यों गलत है देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए कंजंक्शन आपके होते हैं, एक होता है सो दैट, एक होता है सच दैट। दोनों के यूसेज में फर्क है, क्या फर्क है उसको बात करते हैं। देखिए अगर आप सो दैट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूज कैसे होना चाहिए। सो दैट का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सो के बाद में आपको लगाना चाहिए एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, और उसके बाद में दैट। ठीक है, और सच के बाद आप लगा सकते हो नाउन और उसके बाद दैट। अब मान लीजिए सो वाले में नाउन को भी लाना है आपको, तब आप क्या करेंगे, सो के बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब लिखेंगे और उसके बाद ए या फिर एन या फिर उसके बाद में आप नाउन लिखेंगे और उसके बाद आप दैट लगा सकते हैं। इसी तरीके से सच में अगर आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो सच के बाद आप पहले लिखेंगे ए या फिर एन, उसके बाद हम लिखेंगे एडजेक्टिव को और उसके बाद हम लिखेंगे नाउन को। ये जो है आपके स्ट्रक्चर होता है सो दैट और सच दैट का, इसके आधार पर आप इन्हें यूज करेंगे और इसी के आधार पर इस क्वेश्चन में एरर मिलेगी। क्योंकि यहां पर वो लिख रहा है सो अ लो वॉइस तो ये गलत है। अगर आपको यहां पर सो का ही इस्तेमाल करना है तो आप इस ए को उठा के यहां लगा दीजिए, आपका ये सो लो अ वॉइस दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये सवाल सही हो जाएगा। या फिर इस सवाल में आप सिंपली ये कर दीजिए सच अ लो वॉइस, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, सच अ लो वॉइस दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ पार्ट विल बी द करेक्ट, फोर्थ पार्ट में एरर हो जाएगी, सो अ लो वॉइस की जगह आ जाएगा सच अ लो वॉइस, जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए
सो ये था क्वेश्चन नंबर वन, आप सभी को समझ में आई थिंक आ गया होगा। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है, एंटोनिम पूछ रहा है यहाँ पर कंटिग्यूस का। कंटिग्यूस का एंटोनिम क्या होगा आपसे पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिग्यूस। कंटिग्यूस का एंटोनिम क्या होगा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिग्यूस। कंटिग्यूस का एंटोनिम क्या होता है बताइए सभी लोग, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द कंटिग्यूस। कंटिग्यूस का एंटोनिम आपका होता है यहाँ पर टचिंग और नेक्स्ट टू समथिंग, मतलब हो जाता है एकदम करीब करीब, एकदम बगल बगल में। कंटिग्यूस का मतलब हो जाता है टचिंग और नेक्स्ट टू टू समथिंग, जैसे द कंट्रीज आर कंटिग्यूस, यानी कि जो कंट्री है वो क्या है, कंटिग्यूस है, हो रही है, यानी कि बिल्कुल नेक्स्ट टू समथिंग, बिल्कुल लगा हुआ, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पर इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम मतलब क्या होगा, कॉन्टेक्चुअल मतलब जो कॉन्टैक्ट में है, नेबरिंग मतलब बगल में, एडजॉइनिंग मतलब बगल में, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए। आंसर इसका हो जाएगा सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब अलग अलग, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर टू विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी को, यहाँ पर एंटोनिम आपसे कंटिग्यूस का पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, डू नॉट मेडल डैश द अफेयर्स ऑफ अदर्स, Do not meddle dash the affairs of others। इसका आंसर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, प्रीपोजिशन दिया हुआ है from, in, to या फिर at, इसमें से इसका आंसर क्या होगा, Do not meddle dash the affairs of others। देखिए मेडल के साथ में जो प्रीपोजिशन आती है, अगर आप बात करो do not meddle dash the affairs of others, तो आप यहाँ लगाओगे in, do not meddle in the affairs of others, यही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रख लीजिए मेडल के साथ में आप इन का ही यूज करोगे, फ्रॉम टू या फिर एट नहीं आता, इसलिए सेट प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होगा, तो आप यहाँ पर डू नॉट मेडल इन का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ पूछता है दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न, इसमें आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्या होगा, दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न। तो आंसर इस क्वेश्चन का पूछ रहा है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड पहला बोला है भाई, अगर ये क्वेश्चन सही गलत है, बिल्कुल गलत है, नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद कहता है दिस इज बी द प्लेस, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपका या तो होगा दिस इज द प्लेस या दिस इज अ प्लेस होगा, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखिए तो देखो यहाँ पर प्लेस के बाद में हमने उस प्लेस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि अगर हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को उसी सेंटेंस में आगे डिफाइन कर देते हैं तो हम वहां पर कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द, क्योंकि द क्या होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल, और हमने अब इस प्लेस को हमने क्या कर दिया है, डेफिनिट बना दिया है, क्यों, क्योंकि कौन सा स्थान, जहां पर कृष्णा का जन्म हुआ था, इसलिए आंसर आपका दिस इज अ प्लेस नहीं होगा, आंसर आपका होगा दिस इज द प्लेस। तो आंसर विल बी दिस इज द प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, पार्ट टू विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कीजिए और आप इसे पढ़िए, जिससे कि आप इसको आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, इसको पॉज कीजिए एंड डू रीड दिस पैसेज अगेन ऑल्सो। उसके बाद ये पैराग्राफ आपका है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछता है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कहता है इंडिया जनरेट्स अराउंड 25940 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डेली। तो देखिए अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो गलत नहीं है। फिर कहता है द फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लास्टिक कैन बी यूज्ड एज अ ब्लेंड इन स्टेशनरी डीजल मशीन्स लाइक जनरेटर्स। तो ये भी हमने आगे के स्टेटमेंट्स में बात लिखी हुई है कि भाई जो फ्यूल जो हम जनरेट करते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्टेशनरी जो जनरेटर वगैरह है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने ये भी बात आगे बताई हुई है स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद कहता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ प्लानिंग टू यूज़ प्लास्टिक वेस्ट इन मेकिंग रोड्स। तो देखिए यहाँ पे ये भी इन्होंने बात बताई हुई है कि जो NHAI है आपका वो प्लान कर रहा है इस प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए। सो दे हैव ऑलरेडी गिवन इट, देखिए यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया प्लास्टिक वेस्ट का क्या होगा, और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो NHAI है द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज करंटली स्केलिंग अप द टेक्नोलॉजी टू यूज प्लास्टिक वेस्ट इन मेकिंग रोड्स। तो ये बात भी इन्होंने बताई हुई है, इसलिए आंसर आपका ये भी सही है। जब तीन ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि नॉट ट्रू होगा, दैट इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रोड 9 टन्स ऑफ बिटुमिन कैन बी सेव्ड। ये गलत है आपका, यही सही जवाब होगा, क्योंकि उल्टा यहाँ पर ये कह रहा है कि 9 टन्स ऑफ बिटुमिन की आवश्यकता होती है और वो उल्टा कह रहा है बच रहा है, बच नहीं रहा है, खर्च हो रहा है इतना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही है, इसमें पूछता है विच ऑर्गेनाइजेशन मेक्स ब्लॉक्स एंड टाइल्स फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या है, इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो आपका
शीयर जो सी एस आई आर लेबोरेटरी है इज ऑल्सो यूज शेडेड प्लास्टिक केमिकली ट्रीटेड इट मिक्सड विद फिलर्स टू मेक टाइल्स. तो टाइल्स कौन बना रहा है? सी एस आई आर ही बना रहा है, इसलिए आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी एस आई आर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही है, तो आपने जिन लोगों ने पढ़ा है वो इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे. कहता है व्हाट हैज बीन डेवलप्ड बाय डॉक्टर राजा गोपालन वासुदेवन प्रोफेसर एट थियागराजार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुरई. तो इन्होंने देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इनका नाम कि वन कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन वॉज डेवलप्ड बाय मिस्टर प्रोफेसर एट इन द नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज करंटली स्केलिंग अप दिस प्रोजेक्ट दिस थिंग. तो यहाँ पर इन्होंने इसके बाद इनका नाम क्लियरली मेंशन किया हुआ और इनके बारे में चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए आंसर यहाँ क्या है, मेथड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. सो दैट इज द मेथड विच ही हैज गिवन. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 8. क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द अबव पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट. सो द अबव पैसेज जिन लोगों ने पूरा पढ़ा है वो बता सकते हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है. बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट पुटिंग द प्लास्टिक वेस्ट टू यूज रिसाइकल. वो इसी के बारे में बात कर रहा है कि प्लास्टिक वेस्ट को हम कैसे रिसाइकलिंग पे रखें और कैसे इस प्लास्टिक की समस्या को हम खत्म कर पाएं. तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारा इसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है. कहता है व्हाट मेक्स द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक रिसोर्स इंटेंसिव. मतलब जो प्लास्टिक रिसोर्स की जो रिसाइकलिंग है इसको कौन क्या है जो उसको मुश्किल बना रहा है, इंटेंसिव बना दे रहा है. तो इन्होंने देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि जो इट मेक्स इट रिसोर्स इंटेंसिव, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द प्लास्टिक बिफोर रिसाइकलिंग. जो प्लास्टिक को क्लीन करने का प्रोसेस है ये जो है उसको इंटेंसिव बना रहा है, इसलिए आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड, द क्लीनिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मेक्स इट इंटेंसिव. देखो बेटा इस क्वेश्चन पैराग्राफ को मैंने कराया, आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस रीडिंग पैराग्राफ को एक्चुअली में पढ़ा होगा और एक्चुअली में इसको अटेम्प्ट किया होगा. जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा आशा करता हूँ उन्हें समझ आया होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो आप अपना ही खुद का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे ही पैराग्राफ आएंगे. जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है ये SSC CPO 2019 का पैराग्राफ है, ये SSC CPO 2019 का ही पैराग्राफ है, कोई मैंने अपने एंड से नहीं रखा है. SSC CPO 2019 के हाल फिलहाल के पेपर में आया है, जो कि एग्ज़ाम आपका 9th दिसंबर Shift-2 को हुआ था, और ये भी आपका TCS ने ही कंडक्ट कराया है. तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपका पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही पैराग्राफ आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, इसलिए ये ज़रूरी था. ठीक है, चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. जो इन शब्दों के जैसा जो कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछ रहा है. क्वेश्चन कहता है अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स. तो देखिए बेटा देखो दो शब्द होते हैं, खैर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. एक होता है आपका एब्रीविएशन और एक होता है एक्रोनिम. दोनों ही सेम होते हैं, बस फर्क क्या है. देखो जैसे मान लीजिए अगर आप लिखते हो यूनेस्को, अगर आप लिखते हो केस्को, अगर आप लिखते हो यूनिसेफ, तो बेटा जब आप इन्हें देखो लिख रहे हो तो आप इन्हें पढ़ कैसे रहो, यूनेस्को केस्को यूनिसेफ, तो ये क्या हो जाते हैं, एक्रोनिम. लेकिन अगर मैं जैसे लिखता हूं बीजेपी, मैं लिखता हूं MLA, तो जब इनको आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो देख रहे हो MLA, एक एक शब्द को अलग अलग बोल रहा हूं, BJP अलग अलग बोल रहा हूं, NEFT अलग अलग शब्दों को बोल रहा हूं. लेकिन यहां पर हम क्या हो रहे हैं, हम पूरे उस एब्रीविएशन को हमने एक नाम बना लिया. तो जब एब्रीविएशन का को हम नाम बना लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्रोनिम. तो अब वर्ड जिसको शब्द बना लिया हमने इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड से, जैसे लेजर आपका, तो लेजर अपने आप में एक शब्द हो गया, तो दीज आर कॉल्ड एक्रोनिम्स. इसलिए आंसर यहां क्या होगा, एक्रोनिम. और एब्रीविएशन क्या होते हैं, ये आपके जो कि इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड से बनाते हैं लेकिन दैट इज नॉट अ वर्ड फॉर्म्ड. होमोनिम मतलब हो जाता है एक जैसे नाम, समान नाम, सेम नेम हो जाता है जिनका. सूडोनिम मतलब हो जाता है आपका फेक नेम, ठीक है. और टोपोनिम मतलब हो जाता है जो किसी जगह की टोपोग्राफी के आधार पर जिसका नाम रखा जाता है उसे कहते हैं, नेम गिवेन ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी. टोपोग्राफी का मतलब क्या हो जाता है, एक जगह की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, कैसे लोग वहां रह रहे हैं, किस तरीके के लोग हैं, इन सभी के आधार पर जब नाम रखा जाता है उसे हम कहते हैं टोपोग्राफी, और इसी से बना है आपका टोपोनेम, ठीक है. तो टोपोनेम समझ में आ गया. सूडोनेम मतलब गलत नाम, फेक नेम, आप जो दूसरा नाम रख लेते हैं, जैसे कि बरेली की बर्फी में वो प्रेम विद्रोही नाम रख लेता है, उसी तरीके से सूडोनेम उसे कहते हैं, ठीक है.
अगला क्वेश्चन आपका है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें पूछ रहा है एफिजी, इफेक्ट, एफर्ट और एफिशिएंट। तो आसान सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एफिशिएंट इज द करेक्ट आंसर। एफिशिएंट जो है सही जवाब होगा इसका, क्योंकि आपका क्योंकि एफिशिएंट की स्पेलिंग यहां पर आई होती है, एफिशिएंट का मतलब होता है कि सक्षम, ठीक है। एफर्ट मतलब हो जाता है प्रयास, इफेक्ट मतलब हो जाता है किसी का प्रभाव, और एफिजी मतलब हो जाता है पुतला। जैसे एफिजी ऑफ रावण इज बर्नड ऑन दशहरा, तो रावण की एफिजी, रावण का पुतला दशहरे पर बर्न किया जाता है, ठीक है। तो स्पेलिंग यहां पर एफिशिएंट की गलत थी, आई यहां पर होगा जो कि यहां नहीं था। अगले सवाल पर आते हैं, यहां पर इसे सिनोनिम पूछ रहा है कंडेम का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंडेम। अगर आपको याद हो तो पिछले जो पेपर हमने कराया था उसमें हमने डिनाउंस का मीनिंग आपको बताया था। डिनाउंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, क्रिटिसाइज करना। तो कंडेम का मीनिंग क्या हो जाता है, क्रिटिसाइज करना। तो डिनाउंस और कंडेम दोनों याद रखेंगे, मतलब हो जाता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। इसलिए आंसर आपका यहां पर सिनोनिम पूछ रहा है, तो सिनोनिम मतलब आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डिनाउंस करना, ठीक है। कमेंट मतलब तारीफ करना, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब भी तारीफ करना, एंटोनिम हो गया। अप्रूव मतलब हो जाता है सहमति देना। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है आपसे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या होता है, तो क्या है यहां पर, तो एम्बिशियस मतलब हो जाता है जिसको एम्बिशन है, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है। न्यूट्रिशन मतलब हो जाता है आपका पालन पोषण, या आपके न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है, आपको पोषक तत्व मिलना जरूरी, पोषण जिसे कहते हैं आप। फिक्टिशियस मतलब हो जाता है आपका फिक्शन से, फिक्टिशियस मतलब हो गया कि फिक्टिशियस मतलब हो जाता है आपका जो फिक्शन से रिलेटेड है, यानी कि जो काल्पनिक है, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाता है आपका, नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मतलब हो जाता है सन की, ठीक है। फिक्टिशियस हो गया आपका काल्पनिक, इमेजिनरी, और कैप्रिशियस मतलब हो जाता है, कैप्रिशियस में आपकी स्पेलिंग ये होती है सी होना चाहिए, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब हो जाता है आपका सन की, और बहुत ही जल्दी अपनी अपनी डिसीजन बदलने वाला, बहुत ही तेजी से चेंज होने वाला, बदलने वाला उसे कहेंगे, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है, चेंजिएबल है। उसे कहते हैं कैप्रिशियस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैज सोल्ड अप टू 65-70 पर केजी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस क्वेश्चन में इससे एरर पूछ रहा है, द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैज सोल्ड अप। तो सोल्ड का मतलब होता है किसी चीज के प्राइसेस बढ़ना, सोर मतलब हो जाता है बढ़ना किसी चीज का, एस ओ ए आर मतलब होता है किसी चीज प्राइसेस के सेंस में ही आता है, इंक्रीज होने के सेंस में। और एक और होता है सोरिंग वुंड, मतलब हो जाता है कि घाव जो कि बह रहा है, बहते हुए घाव के लिए आ जाता है सोर। अब यहां पर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा प्राइसेस। देखो जो ऑफ लगा होता है इसके पहले वाला जो है वो हमारा मुख्य सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर जब आप लिख रहे हो द प्राइसेस, हमारा मुख्य सब्जेक्ट हो जाएगा, प्राइसेस के आधार पर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, तो यहां हैज नहीं होगा, हैज की बजाय क्या आ जाएगा, हैव। तो इट विल बी द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैव सोल्ड अप टू 65-70 पर केजी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, इसमें आपके एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है डैश द ट्रेन वॉज लेट बाई 6 आवर्स, इट मेड अप थ्री आवर्स बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। देखो अब अगर आप ऑप्शन छोड़िए बाद में, पहले आप ये देखिए, कह रहा ट्रेन जो थी वो 6 घंटे लेट थी, इट मेड अप 3 आवर्स बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि इट मेड अप 3 आवर्स बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले उसने 3 आवर्स कंपनसेट कर लिए, मतलब मेड अप कर लिए, 3 आवर्स के लिए कंपनसेट कर लिया। लेट कितने थी, 6 घंटा, तो कितना घंटा लेट पहुंचना चाहिए था, 6 घंटा, लेकिन पहुंचे कितना घंटा लेट, 3 घंटा। यानी कि ये जो बातें हैं वो कैसी हैं, कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं एक दूसरे की। अगर कॉन्ट्रेडिक्टरी है तो इसका मतलब बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज तो कारण बताता है, कारण तो बता नहीं रहा। इन केस कंडीशन बताता है, कंडीशन भी नहीं बता रहा है, क्या कह रहा है, कॉन्ट्रेडिक्शन बता रहा है। इन स्पाइट ऑफ और ऑल दो, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, और ऑल दो का मतलब हो जाता है आपका यद्यपि। अब देखो इन स्पाइट ऑफ भी हो सकता था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ के लिए स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ ट्रेन बीइंग लेट बाय 6 आवर्स।
अब बीइंग तो आया नहीं, इंस्पाइट ऑफ के लिए बीइंग आना जरूरी है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर तभी सही होगा इंस्पाइट ऑफ ट्रेन बीइंग लेट बाय 6 आवर्स, तो तब हमारा स्ट्रक्चर सही होता है. लेकिन इसलिए इंस्पाइट ऑफ भी नहीं आएगा. बचा क्या हमारा एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑल्दो. ऑल्दो द ट्रेन वॉज लेट बाय 6 आवर्स, यानी कि यद्यपि जो ट्रेन थी वो 6 घंटे लेट थी, लेकिन इट मेड अप 3 आवर्स बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन. अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले उसने करीब 3 घंटे का कंपनसेशन कर लिया. ठीक है, तो आंसर यहां क्या हो जाएगा आपका, ऑल्दो विल बी द करेक्ट आंसर. समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 15. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. कहता है आपसे इसमें आइडेंटिफाई द एरर इन द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. क्वेश्चन कहता है द जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथड्रू द एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट दियर विजिट टू कश्मीर. क्या लिखा हुआ है, द जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथड्रू द एडमिनिस्ट्रेशन एट द एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट दियर विजिट टू कश्मीर. जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि टूरिस्ट अपने जो विजिट है कश्मीर को उसको छोटा करें और उसको जल्द से जल्द जाएं. उसको विड्रॉ कर लिया, यानी कि उस एडवाइजरी को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ये कह रहा कुल मिला के. तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, एरर जो है आपके, देखिए हैज के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. विड्रॉ की सेकेंड फॉर्म हो जाती है विड्रू और थर्ड फॉर्म हो जाती है ड्रॉन. इसलिए विड्रॉन विल बी द करेक्ट आंसर, जो एरर है आपके पार्ट 3 में ही होगी, जहां पे वो कह रहा है द जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन हैज विड्रॉन द एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट देयर विजिट टू कश्मीर. इसलिए आंसर क्या होगा आपका, थर्ड विल बी करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर. यहां पर आपसे सिनोनिम पूछ रहा है. किसका सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, एंगल्फ का. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंगल्फ. एंगल्फ का सिनोनिम होता है, एंगल्फ का मतलब हो जाता है पूरी तरीके से कब्जे में ले लेना, पूरी तरीके से एक तरीके से कवर कर लेना. ठीक है, तो यहां पर आपसे एंगल्फ का सिनोनिम आपसे पूछ रहा है. एंगल्फ मतलब मैंने क्या बताया, एंगल्फ का मतलब होता है किसी भी चीज को कब्जे में ले लेना या टू सराउंड कंप्लीटली. ठीक है, टू कवर कंप्लीटली. अब आप देखिए, जब मैंने कहा टू कवर कंप्लीटली और अनकवर, इन्होंने पहला सिनोनिम दे दिया, तो ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा एंटोनिम. ड्राई मतलब हो गया सूखना, नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर करना, इनंडेट मतलब हो जाता है बाढ़ में पूरी तरीके से डूब जाना. तो इनंडेट जो मतलब हुआ वो इसके जैसा ही हुआ. इनंडेट, इनंडेट का मतलब हो गया किसी को बाढ़ में पूरी तरीके से डूब जाने के सेंस में. तो क्या हो गया, पूरी तरीके से डूबना, टू कवर एन एरिया विद ऑफ लैंड विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. तो बाढ़ में पूरी तरीके से डूबना. एक सेकेंड, ठीक है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनंडेट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom. आपको इस idiom का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है. कह रहा है अप इन आर्म्स, बी टू बी नर्वस, टू बी रूड, टू बी एंग्री और टू बी डिफेंसिव. क्या आप इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा. कह रहा है अप इन आर्म्स, टू बी नर्वस, टू बी रूड और टू बी एंग्री और टू बी डिफेंसिव. तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या बनेगा, देखिए आप इन आर्म्स ऐसे समझ लो कि आपको बाहें आप बाहें चढ़ा रहे हो, तो आप बाहें क्यों चढ़ाओगे, आप बाहें तभी चढ़ाओगे जब आपको गुस्सा आएगा. तो इसलिए आंसर क्या होगा, टू बी एंग्री. अप इन आर्म्स का मतलब हो जाता है गुस्से में होना, नॉट टू बी नर्वस, रूड या डिफेंसिव नहीं. आंसर हो जाएगा टू बी एंग्री. अप इन आर्म्स मतलब हो जाता है टू बी एंग्री. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom. इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा. कहता है लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट इन कोल्ड. अब आप ऐसा समझ लो किसी को आपने जाड़े में सर्दी में अकेला छोड़ दिया, तो मतलब क्या हुआ, टू स्टैंड आउट गलत, टू बी क्रिटिसाइज्ड गलत, टू बी इनडिसाइसिव ये भी गलत. आंसर इसका हो जाएगा टू बी इग्नोर्ड. क्या हो जाता है, टू बी इग्नोर्ड, किसी को पूरी तरीके से इग्नोर करने के लिए आ जाएगा टू बी लेफ्ट आउट इन कोल्ड. ठीक है, किसी को सर्दी में छोड़ देना मतलब हो गया टू बी इग्नोर्ड, पूरी तरीके से इग्नोर करना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड्स. यानी कि ये कैसा है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. पूछ रहा है गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन. एक गवर्नमेंट सरकार जो कि किसी क्वीन, किंग या फिर क्वीन के द्वारा रन की जा रही है, चलाई जा रही है, उसे आप क्या कहेंगे. तो देखिए जो राजा या रानी के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे हम कहते हैं मोनार्की. मोना मतलब हो जाता है सिंगल, मतलब एक ही शासक है, एक ही व्यक्ति रूल कर रहा है. ठीक है, एनार्की मतलब हो जाता है अराजकता, किसी का शासन नहीं है, लॉलेसनेस स्टेट हो जाता है, लॉलेसनेस.
ठीक है। प्लूटोक्रेसी का मतलब हो जाता है आपका प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब हो जाता है धनाढ्य, गवर्नमेंट बाय वेल्दी, धनाढ्य लोगों के द्वारा शासन। एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट बाय नोबल क्लास, ठीक है, गवर्नमेंट बाय नोबल क्लास यानी कि जो आपके नोबल लोग हैं जो बहुत ही उच्च कुलीन वर्ग हैं उनके द्वारा शासन। ओलिगार्की मतलब हो जाता है गवर्नमेंट बाय अ हैंडफुल ऑफ पीपल, गवर्नमेंट बाय अ हैंडफुल ऑफ पीपल यानी कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के द्वारा ही शासन किया जा रहा है, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आप ऐसे लिख सकते हैं, एक छोटे से लोगों के ग्रुप के द्वारा ही शासन किया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है नो सूनर डिड इट बिगिन टू रेन दैट ऑल द गेस्ट्स रैन इनसाइड। तो आसान क्वेश्चन है इसमें आपसे, इसने इंप्रूवमेंट पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। आप सभी को पता है नो सूनर के साथ में दैट नहीं आता, क्या आता है, आता है दैन। तो यहां लिखा है नो सूनर डिड इट बिगिन टू रेन दैन ऑल द गेस्ट रैन इनसाइड, तो दैन नहीं होगा, नो सूनर के साथ आता है आपका दैन, इसलिए यहां दैट नहीं होगा, इट विल बी दैन। No sooner than it begin to rain, all the guests ran inside. ठीक है, चूंकि आप सीधे याद रखो soon की comparative degree हो जाती है sooner, और comparative degree के साथ में आता है than. ठीक है, hardly scarcely के साथ आता है आपका, hardly scarcely rarely barely के साथ आता है आपका when. ठीक है, तो यहाँ पर आपने than लगाना होगा, जब आप than लगाओगे तो आंसर आपका क्या बनेगा, third will be the correct answer. क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑफेंड, ऑफेंड का आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफेंड, ऑफेंड का सिनोनिम क्या होता है, ऑफेंड का मतलब क्या हुआ, ऑफेंड का मतलब हो जाएगा आपका, ऑफेंड मतलब हो गया किसी से आप ऑफेंड हो गए यानी कि आप किसी से नाराज हो गए एक तरीके से, ऑफेंड का मतलब क्या हुआ, आप किसी से नाराज होना हो जाना, तो ऑफेंड कहते हैं ना कि ऑफेंड मत हो जाना मैं ऐसा कुछ कहूंगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, अनॉय, वैक्स, इरिटेट, इन्फ्यूरिएट, एनरेज्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट। एसुआज मतलब होता है किसी को मनाना, तो ये आपका एंटोनिम में आ जाएगा। एड मतलब हो गया किसी की मदद करना, असिस्ट मतलब भी मदद करना, तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सबसाइड, सबसाइड का आपसे पूछ रहा है एंटोनिम क्या होगा, व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सबसाइड, सबसाइड का मतलब क्या हो जाता है, सबसाइड का मतलब हो जाता है आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, किसी चीज को एक तरीके से शॉर्ट कर रहे हो, सबसाइड मतलब हो गया आप किसी चीज को शॉर्ट कर रहे हो, तो आंसर आपका क्या बनेगा, टू बिकम कामर और क्वाइटर, सबसाइड मतलब किसी को शांत करना, नॉर्मल करना किसी चीज को, ठीक। तो आपसे यहां पर क्या पूछ रहा है, इससे आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसाइड का मतलब क्या हुआ, सबसाइड का मतलब हुआ टू मेक कामर या फिर आप किसी को शांत कर रहे हो, ठीक है। सबसाइड मतलब क्या हुआ आपका, सबसाइड का मतलब हो गया टू बिकम कामर और क्वाइटर, शांत करने के सेंस में, ठीक है, टू गो टू नॉर्मल लेवल अगेन। ठीक, अब आपसे इसमें पूछ रहा है इसका एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ईज इसका सिनोनिम में आ जाएगा, डिमिनिश मतलब भी कम करना तो ये भी सिनोनिम में आ जाएगा, अबेट मतलब भी कम करना तो सिनोनिम में आ जाएगा, आंसर क्या होगा, एनलार्ज करना, बड़ा करना, यानी कि आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए इस idiom का, हैंडल विद किड ग्लव्स। अब हैंडल विद किड ग्लव्स का मतलब क्या होगा आप मुझे बताइए, अगर आपसे कहें हैंडल विद किड ग्लव्स, भाई आपने बच्चों वाले ग्लव्स से किसी को हैंडल कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप बहुत प्रेम से बहुत प्यार से किसी को हैंडल कर रहे हो, तो आंसर आपसे पूछ रहा है टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, टू accomplish समथिंग टू ambitious, टू शो समवन योर क्रिएटिविटी, टू रिमूव ऑल hurdles, टू स्टार्ट समथिंग, आंसर क्या बनेगा आपका, किसी को बहुत ही एक्सट्रीम केयर के साथ में ही डील करना, यानी कि आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, तो जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके उसके लिए हो जाता है गलिबल, यानी कि बहुत ही ज्यादा मासूम या बहुत ही इनोसेंट के सेंस में आ जाएगा, डेलिबल हो जाता है जिसे आसानी से मिटाया जा सके, विच कैन बी इरेस्ड, इसका एंटोनिम हो जाता है इनडेलिबल, विच कैन नॉट बी इरेस्ड, इनकरेजिबल मतलब विच कैन नॉट बी करेक्टेड, और इनफॉलेबल का मतलब हो गया हु कैन नॉट फॉल, हु कैन नॉट बी फॉल्स,
बी रॉन्ग. ठीक है, तो आंसर आपका क्या हुआ यहाँ पर, गलीबल. ठीक है, तो दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं पर फिनिश करते हैं. दिस इज द पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो. आपको पार्ट टू भी देखने को मिलेगा. पार्ट टू में हम लोग बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन करेंगे. बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पे मिलेगा. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. और अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो AMANT इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं. आप मुझे मेल भी कर सकते हैं aman.sscmentor@gmail.com से पे. और अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आप इस पे मेल भी कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए. आपका दिन शुभ हो. बाय बाय. टेक एंड हैव अ गुड डे अहेड. और बाकी के 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में जो कि आपको यहाँ पर आई बटन में दिख जाएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.